हम इस हुकूमत को जाली हुकूमत समझते हैं, फॉर्म 47 की समझते हैं। आपकी जिम्मेदारी है ना भाई, तुम्हारे गिले से पैसे नहीं साहब पे हलफ दिया है, अठारह का भी लेना, सुन तो ले, हम भी देते हैं कुरान पाक पे हलफ। आए चले बताएं से, आए अभी कुरान पाक पे हलफ। अबे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है, ये खुद तो अमीर से अमीर होता रहोगे, कौम गरीब से गरीब होता रहोगे, ये गरीब क्यों नहीं हुए? आगे निकल ही नहीं रहे। नहीं, शौकत पथरा चाहता है कि मैं एमएनए बनूं, ये एमएनए बनने के लिए क्या आप लोग सब लोग चपरासी बनने के लिए गए हैं? जो ये वेखा फॉर्म 40 वाले थे कुछ नहीं साढ़े पल्ले, ये वेखा फॉर्म 47 वाले थे बल्ले बल्ले बल्ले। नाज़रीन, आज शौकत बसरा ने लाइव शो में नून लीग के इतिहादी अली मूसा गिलानी की इस जाली हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत को जब आईना दिखाया तो अली मूसा गिलानी आग बगोला हो गया, और फिर शौकत बसरा ने अली मूसा गिलानी को लाइव शो में ऐसा बेइज्जत किया कि वो लड़ाई पर उतर आया। फिर क्या हुआ, आए पहले आप खुद वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। हमारी पहली बात तो ये है कि जिस हुकूमत की ना कोई कानूनी ना आइनी ना अवामी हैसियत हो, कोई हुकूमत, हुकूमत नाम किसका है? अवाम का। जब 90% अवाम ना हुकूमत के साथ खड़े हों ना इदारों के साथ खड़े हों, और इनकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि ये कोई पहली बार आए हैं, पांच पांच छह छह बारियां सबने ली हुई हैं, अगर आज पाकिस्तान यहां पर बैंकरप्ट हो रहा है या आज पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा हुआ है तो उसके जिम्मेदार ये पार्टियां हैं। अच्छा, लेकिन हमने खुद अपने मसले सॉल्व कर लिए ना, बाहर से लोग आके हमें बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरी बात करने जिम्मेदार है, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अब आप भी तो रह चुके हैं, सिर्फ आपके पास कैसे गवर्नमेंट है ऐसे निकला। मैं जब बात करूंगा ना, आप चले, मैं वैसे बता हाल करूं, हम 76 साल में 3.5 साल के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप बना दीजिए, आप कमीशन बनाइए, हम तो बार बार कह रहे हैं 1947 से बनाना है, 2014 से बनाना है, 2018 से बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, आप ये अभी चाइना की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मारिया आपने तो ये अभी सुनाया ना कि आज हमारे कितने इख्तलाफ आते हैं, हम इस हुकूमत को जाली हुकूमत समझते हैं, फॉर्म 47 की समझते हैं, इनको अवाम के नुमाइंदे नहीं समझते, ठीक है। और जो जुल्म जबर 9 मई के बाद हमसे ये कर रहे हैं, किससे छुपा भी नहीं है, मार्शल से बातें लाते हैं, लेकिन कौमी कॉज के लिए आज हम उस मीटिंग में गए हैं, उसकी वजह इनकी क्रेडिबिलिटी ये है। आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क से भाग रहा है, आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आप चाइना की बात करते हैं, ये बातें छुपाते हैं। हमारा कितना ट्रस्टेड फ्रेंड है चाइना, क्या कहा उसने, तलकत बना वहां पे फोटो शूट हो रहा है, वहां पे इस तरह गए हैं जैसे चाइना ने उसे कर्जा देने गए हैं, हालात वहां पे क्या हैं, वहां पर गुफ्तगू सिस्टम बर्खास्तन, आपका जो चाइना जो आपके अच्छे बुरे वक्त का साथी है उसने भी आपका वो जो स्टेटस था छोड़ दिया आपको, छोड़ दिया आपको। और दूसरी बात, ये लोगों से छिपा, आजकल चूंकि मीडिया का दौर है, मैं आपको चीज पढ़ दूं, ये चाइनीज प्रेसिडेंट जब ये टूर मुकम्मल करके है ना, ये उसी दिन की प्रेस रिलीज सुनिएगा, द चाइनीज प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड होप द पाकिस्तान विल क्रिएट अ सेफ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट एंड इफेक्टिवली गारंटी द सेफ्टी ऑफ चाइनीज पर्सनल। वही जो आज बात की है। अब कहने का वो क्या कह रहे हैं, कभी ऐसा स्टेटमेंट ओपन लिया है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, वहां प्रेडिक्टेबल माहौल नहीं है। बात वो चाइनीज सर मुझे जो वाकया हुआ था उसकी वजह से मुझे बात करने, आप पास मंजर बना चाहिए करना, पूरे दुनिया को पता है कि ये हुकूमत जो है जालसाजी की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 इस वजह से चाइनीज कतल हो रहे हैं, मेरी बात इस वजह से चाइनीज कतल हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बात कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना भाई, तुम्हारे गिले से पैसे नहीं मसरा साहब। अच्छा, मुझे फॉर्म 47 केपीके की फॉर्म 47 बनी हुई है, उसका काम करते हैं ना, काम करते हैं हम, कल सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2018 की जमानत जारी नहीं थी, बनाइए 2018 से बना लीजिए 2018 ऐसे ना करें ना, कौन सा कमीशन। अच्छा, मुझे बात मुकम्मल, आपने हलफ दे, हलफ दे, आप सबने हलफ दिया, आप हलफ दे, आप सब हलफ दे सुप्रीम कोर्ट में, 18 में आज बात कर ली, आपने बात कर ली, हमने कल कुराने पाक पे हलफ दिया है, 18 का भी लेना, सुन तो ले, हम भी देते हैं कुराने पाक पे हलफ। आए चले बताएं, कुराने पाक पे हलफ, अबे ऐसे करते हैं, मैं तो लड़ाई नहीं, मैं कुराने पाक पे हलफ देता हूं, मार गया था पिछली दफरे, अब मैं कुराने पाक पे हलफ देता हूं, मैं जीत के आया हूं, इजाजत लगती है नंबर पर है, बात करने दें, आपके मुखालिफ मेहरबानों हैं, उन्होंने कुराने पाक पे हलफ दिया पा रहे हुए हैं। अब गुजारिश यह है कि खुद गिलानी साहब जिनके खिलाफ पिटीशन मौजूद है वो ऑर्डिनेंस दे रहे हैं, मुझे बात पूरी करने दे ताकि बात आवाम तक जाए। हालत ये है, आप हलफ की कह रहे हैं, आए आपने फैसल मस्जिद जाने, आपने लामा इकबाल के मजार पे जाने, आपने कायदे आजम के मजार पे जाने, सुप्रीम कोर्ट आना है, हाई कोर्ट आना है, ट्रिब्यूनल में कुरान पाक पे हलफ देंगे कि आप लोग तमाम सुल्तान आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होते आप शो डालते हैं, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, मैं आपको जहाज तरीन साहब का लेकर आया, आपको फलां लेकर आया, मेरे भाई आज हमें कौन लेकर आया है, आज पूरी कौम जब इमरान खान के साथ खड़ी है, आप एक काम करें ना, पूरी कौम आप 2018 का डॉक्टर मारिया मेरी चैलेंज है, आप एक चैलेंज है, इन्होंने कहा था ना 2018 बात तो सुनिए, टॉपिक पे आता हूं, आप टॉपिक पर 2018 से कमीशन बना ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, चाइना की बात नहीं, मैं बात पूरी करूंगा, बात पूरी करूंगा, पूरी दुनिया हमें यह बताया गया SIFC बन गई है, बुरी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बात यह पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, आप मुझे बताएं क्या लेके आए SIFC में, वो MOU साइन कर रहे हैं, वो ट्रक भरे हुए MOU के संदूक भरे हुए, बात ये है जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये हो कि वजीर आजम, हालत यह खुद हारा हुआ,
नवाज शरीफ साहब आ रहे हुए, मरियम बीबी आ रही हूँ, मेरी बात पूरी नहीं है। एक ही पॉइंट आ रहा है, आप उस पर डाइवर्ट कर रहे हैं ना। क्या डाइवर्ट करी जा रही है, बात घूम रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अभी आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, ये उसकी अकास है जो वो चाइनीज बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी होती है? हम कहते हैं कि आपकी भी है। नहीं नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। आप हालत ये कर रहे हैं, एक लाख 4000 वोट आप कह रहे हैं, क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, आपने हमारे वोट माने? मेरा मुझे 2018 में मुझे आवाम का नुमाइंदा टीवी पे देख लिया। बात करने दें, कीजिए। बात यह है कि जिन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है, ये खुद तो अमीर से अमीर होता रहोगे, कौम गरीब से गरीब रहोगे, ये गरीब क्यों नहीं हुए? मेरी बात करने देना। आज हालत ये है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं, इनसे करें, उनसे करें जिनको ये इख्तियार नहीं कि अपना वजीर खजाना लगा सकें, जिनको ये इख्तियार नहीं कि वजीर दाखला लगा सकें। और हालत ये है, हालत ये है कि आप इमरान खान से बात की बात ही चाइनीज और इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी बातें, आप उसके अंदर इमरान खान चाइनीज लोग कहा है कि आप लोगों ने माहौल फराहम नहीं किया। चाइनीज कह रहे हैं आपके पल्ले कुछ नहीं है, चाइनीज फराहम हो, चाइनीज ये नहीं कह रहे आपके पल्ले कुछ नहीं, चाइनीज कह रहे हैं आप माहौल फराहम, ये क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने की कहा है कि सिक्योरिटी पोजीशन ठीक करें भाई, उन्होंने कहा प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, सर सर प्रेडिक्टेबल ताकि चाइनीज कतल ना हो। सर सर इजाजत दीजिए, उसने कहा जो चाइनीज इन्वेस्टर्स लिए बात नहीं है, डॉक्टर मारिया सिक्योरिटी नहीं, डॉक्टर मारिया घुमा फिर आगे क्रेडिबिलिटी पे चलती हैं, मुझे पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुई है इस मुल्क में, चाहे वो इमरान खान का दौर आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी आई है, चाहे वो नवाज शरीफ है, तो उसमें किसका कसूर है? अगर किसी को हम एक हालत जंग में थे, जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, शौकत बसा उसका हिस्सा था, रोज हम लाशें उठाते थे, रोज हम लाशें उठाते थे, रोज धमाका होता था, कभी पुलिस लाइन के ऊपर तालिबानों ने कब्जा कर लिया, सवात में पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का झंडा हट दिया था, हम किस स्टेट से गुजरे? एक सही मुल्क, टूटा हुआ मुल्क को जोड़कर पीएमएलएन के हवाले किया। पीएमएलएन, मैं यकीन, मैं पीएमएलएन का मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था 13 में भी और 18 में भी। 18 में अगर इनके साथ पीएमएलएन के साथ धांधली ना होती, पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और ये मेजोरिटी ले चुके थे, लेकिन अब पीछे जाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, फलाना बनाए, मतलब बनाए, जाके क्या कर लेंगे? अली साहब, बड़ा बड़ी माजरत के साथ, हमें, क्या आप हो, हमें शौकत बसरा साहब, हम इससे आगे निकल ही नहीं रहे। क्यों शौकत बसरा चाहता है, शौकत बसरा चाहता है कि मैं एमएनए बनूं, ये इसलिए फॉर्म 45-47 करे, इसको परवाह नहीं है कि मेरे इलाके में भावल नगर में बंदा भूख से मर गया, सवात में इनकी गवर्नमेंट में एक चाहे उसने किया या ना किया उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, बंदे को आग लगा दी, जिंदा जला दिया, चलो जला दिया, थाने को जला दिया, पुलिस वालों को भागा, उस पर बात नहीं करेगा, फॉर्म 45 पे बात करेगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए असेंबली के अंदर जाना चाहता है। क्यों भाई, इतनी लालच किस चीज की है, हिरस किस चीज की है? मुझे करना कुछ नहीं है, अंदर जाना है असेंबली में। वैसे आपस की बात है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये चीज नजर आती है माजरा के साथ। मैं ओपनली बिल्कुल शौकत भाई, आपने बहुत मेहरबानी, आप मेरे बड़े हैं, आप हमारी पार्टी में सीनियर थे, आप हमारी पार्टी में सीनियर थे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, हां ठीक है, नहीं कर अच्छे पॉलिटिकल वर्क करें, आई एम सॉरी कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगी हो, लेकिन देखें अपने ईमान से एक बात करने में टाइम लगता है, अपने ईमान से एक बात जरूर करिएगा कि एक आप एक कल्ट फॉलोअर। अच्छा, मुझे एक चीज के चक्रों में सियासत मत करिए, बात भूल के बारे में डॉक्टर मारिया, मैंने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, ये बार बार बिल्कुल नहीं किया, आप रिलैक्स करते हैं ना, ये आपस में जब 47 वाले इकट्ठे होते हैं, पता क्या फिक्र कहते हैं, ये वेखा फार्म 40 वाले तो कुछ नहीं साडे पल्ले, ये वेखा फार्म 47 वाले तो बल्ले बल्ले बल्ले, क्या आपके पास इखलाकी जवाज क्या? और ये किसने कहा? इनकी पार्टी के, हमारे जो इनके पंजाब की जनसेक्टरी, उन्होंने ये गुफ्तगू की, हालत क्या है? अभी हम लेक्चर दे रहे थे ना, ये एमएनए बनने के लिए, क्या आप लोग सब लोग चपरासी बनने के लिए गए हैं? जो लोग वहां पे असेंबली में बैठे हुए हैं, आप मुखालफों की सीटों में, आवाम तो आपको जेलों में देखना चाहते थे, आवाम तो चाहते, मैं बताता हूँ, इमरान खान ने जेल में देखे जलसा करने के लिए, जेलों में देखना चाहते, लोग इनको जेलों में देखना चाहते, इनके जो वजीर करप्शन किए इन्होंने, जब ये हुकूमत में थे इन्होंने, उनका पॉइंट पटवारी के ऊपर पैसे लिए, उनको पॉइंट हमारे खिलाफ शौकत बसरा कहे इनको जेलों में जाना, वो कहते सच आख्या भांबड़ मचता है, ये है बात करने बात करने
जेल कटी है, अपने करतूतों में जेल कटी होनी है ना, बात कर रहे तो उसका साथ था अपने करतूतों के साथ, तो बात तो कर रहे हैं अली साहब, अली साहब जेल में कैसे, अली साहब आप बताएं उसका झंडा उठा के जेल के बाद हरियाणा जेल को लेने के लिए तुम जाते थे, मारिया चारों सीटें उतार के हारे हुए, वाह चारों सीटें, वाह मैं चल नहीं करता, वाह अच्छा मुझे बात करने दे, 35-35 की बात कर रहे हैं, 35-35 अच्छा मुझे बात कर दे, फॉर्म 45 में कोई आ रहा नहीं है, फॉर्म 45 में मारिया फिर सुन ले, गुजारिश ये है अवाम इनको नफरत करते हैं क्यों, उसकी वजह कुछ किसके वोट, 10,000 ने स्टॉलवर्ट सबसे पहला बड़ा मियां नवाज शरीफ था ना, हार श्रृंगार के लाया गया, मियां जदों आवेगा लग पता जाएगा, आजकल वो या तोते उड़ा रहा है या कबूतर उड़ रहा है या तंदूरों के विजिट कर रहे हैं, वो हार गया, मियां मरियम भी हार गई, गिलानी साहब मैं चैलेंज करता हूं आप फैसल मस्जिद आ जाए, मैं उनको शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चों को देता हूं, पुराने पाक पे हलफ दे दे मार देंगे, उन्होंने कुछ बात पे हलफ दिया है, अच्छा बात तो कर दिया है कि हम गद्दी नहीं, बात तो कर दे चले, उन्होंने पुराने पाक पे हलफ दिया कि हम गद्दी नहीं, क्या चीज पता है उनको के पीछे नहीं क्या है, अच्छा बातें कर रहे हैं ऐसे लोग, यानी अस्तगफरुल्लाह अच्छा किसी और कुरान उठा रहा है मूसा भाई, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मूसा गलत बात अभी कर रहे हैं, मूसा भाई आप बात तो कर रहे हैं, आप बात गलत बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, अच्छा अगर तो आपने इन दोनों को देखें, दोनों एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बटे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मुझे बात करने दें, डॉक्टर मारिया ज्यादा शोर डालने से ऊंचा बोलने से हकायक बदल नहीं जाते, इन्होंने ये कहा, मैं आज भी कहता हूं, इस वक्त सूरत हाल ये है, तमाम दुनिया ये समझती है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने 6-6 बारियां लेकर इन सब का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। नाज़रीन आपने अली मूसा गिलानी और शौकत बसरा की गुफ्तगू सुनी, शौकत बसरा ने कहा कि आपकी सारी जमात इस टाइम फॉर्म 47 पर खड़ी है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और खुद नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इन्होंने मुल्क को लूट कर अपने तो बैरून मुल्क फ्लैट बना लिए, जायदादें खरीद ली, खुद दिन ब दिन अमीर होते चले जा रहे हैं मगर अवाम दिन ब दिन गरीब होती चली जा रही है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया क्योंकि इनको अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये इक्तदार में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। नाज़रीन आप शौकत बसरा की आज की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।